कि हिंदुस्तान का चौकीदार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार। ये देखो क्या कमाल हुआ, शर्म नहीं है इस व्यक्ति में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के चौकीदार बने हैं वो चोर हैं। 5 साल अन्याय किया, 5 साल किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, बेरोजगारों से पैसा चोरी किया और इन चोरों को दिया। अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये लोग 5 साल आप देखते रह गए। पहले कहा था नारा है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 5 साल के अंदर नया नारा चला है, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। अब देखिए, अब कांग्रेस पार्टी का कमाल देखिए, हमारे काम करने का तरीका देखिए। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा था 15 लाख रुपए और बैंक अकाउंट में डालूंगा, कहा था ना? ठीक है, डाला। अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए, आपको 15 लाख रुपए नहीं दे पाए। अब कांग्रेस पार्टी का कमाल देखिए, कुछ महीने पहले मोदी जी मन की बात करते हैं ना, आज मैं आपको मजे की बात बनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, आपको मजा आएगा। और आज नहीं, सच्चा मजा जब आएगा जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा 15 लाख रुपए और बैंक अकाउंट में, झूठ। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया, उनसे एक सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा, देखिए नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए डालने की बात की थी, झूठ बोला, आप मुझे एक नंबर दो। उन्होंने मुझसे पूछा कौन सा नंबर, मैंने कहा मुझे वो नंबर दो, वो नंबर दो जो मैं हिंदुस्तान के हर गरीब के बैंक अकाउंट में डाल सकूं। मुझे कोई लंबा भाषण नहीं देना, मुझे कोई थ्योरी नहीं चाहिए, मुझे किताब नहीं चाहिए, मुझे बस नंबर चाहिए, मुझे नंबर दो नंबर चाहिए। मुझे यह बताओ कि हिंदुस्तान के 20% गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी कितना पैसा डाल सकती है। एक शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करनी। अब जाओ जिससे पूछना है पूछो, दुनिया के सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट से उनसे जाके पूछो, मगर मुझे एक नंबर चाहिए, वापस आओगे तो मुझे नंबर देना। 5 महीने बाद कुछ ही दिन पहले मेरे पास आए, कागज पे उन्होंने एक नंबर लिख दिया, मुझे दिया 72,000। मैंने उनसे पूछा ये क्या है 72,000, उन्होंने मुझे बताया ये वो नंबर है 72,000 रुपए जो कांग्रेस पार्टी हर साल हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में डाल सकती है। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, नहीं नहीं सुनो, मैंने उनसे पूछा भैया ये आपने मुझे बताया, ये आपने मुझे बताया सिर्फ 1 साल देंगे क्या? वो नरेंद्र मोदी तो सालों के लिए दे रहा है, अनिल अंबानी को, मेहुल चौकसी को। मैंने उनसे कहा भैया 1 साल से काम नहीं होने वाला मिला, आप मुझे बताओ ये कब तक दिया जाएगा, तो मैं आपको दूसरा नंबर देता हूं।
एक साल में 72,000 रुपए, 5 साल में 3,60,000 रुपए आप सबके बैंक अकाउंट में जाने वाला है। 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी 3,60,000 रुपए डाल देगी। क्या निर्णय है? गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक धड़ाक से। अगर वो अनिल अंबानी को दे सकता है तो हम किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को दे सकते हैं, देके दिखा देंगे। तो जिसकी भी आमदनी, अब सुनिए, ये आपके लिए बोल रहा हूं मैं, अब यहां जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, इस भीड़ में जिनकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, भाइयों और बहनों, आपके बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल का जा रहा है। योजना का नाम न्याय योजना, और इसके दो लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य, गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक। नरेंद्र मोदी ने गरीबों पर वार की, हम गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। 5 साल के अंदर आपको इस देश में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। 12,000 रुपए प्रति महीना से कम आमदनी का हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी सोच समझ के काम करती है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, आपको झूठ बोला, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, चलो काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आपके साथ लाइन में हिंदुस्तान के चोर, काले धन वाले खड़े थे क्या? नहीं, वो भैया एसी कमरे, बैंक के एसी कमरे में बैठे थे, काला धन लिए सफेद में बदल रहे थे, नरेंद्र मोदी मदद कर रहा था उनकी। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स आता है, छोटे दुकानदारों से कहते हैं, भाइयों और बहनों, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, गब्बर सिंह आ रहा है, अपना पूरा का पूरा पैसा दे दो। नरेंद्र मोदी पैसा लेना चाहता है, नीरव मोदी को देना चाहता है, ललित मोदी को देना चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सबके सब मोदी 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 नाम। अच्छा भैया देखो, आपने कभी किसान के घर के सामने चौकीदार देखा है ना? बेरोजगार युवा के सामने चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने चौकीदार देखा है? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार देखे हैं? तो बात समझ आई? नरेंद्र मोदी आपका चौकीदार नहीं है, अनिल अंबानी का चौकीदार है। मैंने उनसे कहा, नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा, देखो भैया, मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात करते हो, चौकीदारी की बात करते हो, चलो क्यों नहीं, हम दोनों, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार पे डिबेट करें। आप अपनी बात बोलो, मैं अपनी बात बोलता हूं, आपको जो बोलना है बोलो, भ्रष्टाचार पे आपको जो बोलना है आप बोलो, मेरे साइड में खड़े हो जाओ और मुझे 15 मिनट दे दो आपके सामने राफेल की बात करने के लिए, 15 मिनट। आप देख लेना भैया, नरेंद्र मोदी इस देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। मैं क्या सवाल पूछूंगा नरेंद्र मोदी जी से? पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए क्यों दिए?
नरेंद्र मोदी जी मुझे बताइए, जब आप फ्रांस गए, क्या आपके साथ अनिल अंबानी गया था, हां या ना? नरेंद्र मोदी जी मुझे बताइए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने आपके बारे में बोला कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे बताया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बताया कि चौकीदार, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला, प्रेस से बोला कि आपने फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा कि 526 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार 1600 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए देगी। यह सवाल मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछूंगा, और जैसे ही मैं उनके सामने, चेहरे के सामने यह सवाल पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखते ही पूरे हिंदुस्तान को पता लग जाएगा चौकीदार चोर है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में भ्रष्टाचार किया। 1:30 बजे रात को सीबीआई का डायरेक्टर कहता है मैं तो इंक्वायरी करूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने उनको निकाला, कहा नहीं तुम इंक्वायरी नहीं करोगे, मैं चौकीदार हूं, तुम चौकीदारी नहीं कर सकते हो, तुम कौन होते हो, देश का तो एक ही चौकीदार है उसका नाम नरेंद्र मोदी। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं 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 नहीं, सीबीआई डायरेक्टर को वापस लाओ। सीबीआई डायरेक्टर वापस आता है, नरेंद्र मोदी कहता है नहीं भैया, तुम सीबीआई के डायरेक्टर हो, चौकीदारी नहीं कर सकते, चौकीदार तो सिर्फ मैं हूं, चलो बाहर निकलो यहां से। उसको उठा के फेंक दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की सरकार के साथ, फ्रांस की कंपनी के साथ सीधा सौदा किया है, एयरफोर्स से 30,000 करोड़ रुपए चुराए। कहते हैं कि 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में नरेंद्र मोदी ने खरीदवाया। कहते हैं कि राफेल हवाई जहाज देरी में आएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट को बदला। हिंदू अखबार में आया, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम सब चौकीदार, पूरा देश चौकीदार। अच्छा, जब आप प्रधानमंत्री बन रहे थे तो आपने कहा मुझे चौकीदार बनाओ, मैं चौकीदारी करूंगा, अब चोरी पकड़ी गई तो कहते हो पूरा देश चौकीदार। नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा देश चौकीदारों का नहीं है, इस देश में किसान है, मजदूर है, छोटे दुकानदार है, छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, और उन सबका आपने नुकसान किया है। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स ने इनकी जिंदगी नष्ट की, इसीलिए कांग्रेस पार्टी न्याय योजना दे रही है। आपने इनसे पैसा छीन कर उद्योगपतियों का दिया, हम अनिल अंबानी से पैसा छीन कर इनको देने वाले हैं। और भैया अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है, मैं बता रहा हूं, मैंने काम शुरू नहीं किया है। ये जो 72,000 रुपए है ना, ये पहला छोटा सा कदम है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मैंने साफ बोल दिया था, मैं नहीं जानता 10 दिन के अंदर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के सब किसानों का कर्जा माफ कर देगी। 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में हमने कर दिया। मैं अनिल अंबानी का चौकीदार नहीं हूं, मैं जनता के लिए काम करता हूं, मैं किसानों की लड़ाई लड़ता हूं। 72,000 करोड़ रुपए आपके कर्जा माफ करवाए थे कांग्रेस पार्टी ने यूपीए के समय, आपकी जमीन की लड़ाई लड़ी, जमीन अधिकरण बिल मिला आप दिया, आपको मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा आपकी जेब में अगर आपकी जमीन जाती है, और आपसे बिना पूछे जमीन जा ही नहीं सकती। मनरेगा दिया, इस बार 150 दिन उस
यूपीए के समय 100 थे, अब 150 थे। युवाओं को नरेंद्र मोदी की दुनिया में, मेक इन इंडिया में बिजनेस खोलना होता है, चालू करना पड़ता है, तो आप जाइए अलग अलग सरकार के डिपार्टमेंट से जाइए, परमिशन लीजिए। अच्छा, बिजनेस चलाने के लिए, खोलने के लिए अनिल अंबानी को कोई परमिशन की जरूरत नहीं। यहां पे अदानी जी को जमीन दी, उनको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। कितनी जमीन मिली है उनको? उनको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मगर बिहार का युवा बिजनेस खोलना चाहता है, चालू करना चाहता है, चलो परमिशन लो, सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लो। एक डिपार्टमेंट के पास जाओ, वो कहेंगे भैया परमिशन, पहले रिश्वत दो, पहले पैसा दो, फिर परमिशन की बात करेंगे। दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ, दूसरा डिपार्टमेंट कहता है भैया पैसा निकालो, रिश्वत दो, फिर परमिशन। 15-20 डिपार्टमेंट में जाओ, हर जगह रिश्वत दो, बिजनेस चालू नहीं होता। तो हमने मैनिफेस्टो में साफ लिख लिया है, बिहार का कोई भी युवा बिजनेस चालू करना चाहता है, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। खत्म करो परमिशन। परमिशन कब लेनी है? 3 साल बाद, जब आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, जब आपके पास 30-40-50 लोग काम करेंगे। और भाई और बहनों, जैसे ही आपके बिजनेस में 30-40 लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, वैसे ही हिंदुस्तान के बैंक आपको पैसा देना शुरू कर देंगे। 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का नरेंद्र मोदी ने माफ किया है। बैंक की चाबी उन्होंने इन चोरों को पकड़ा दी है। मैं उन चोरों से ना, अनिल अंबानी से चाबी छीनकर आपके हवाले कर दूंगा। किसानों को कहना चाहता हूं, किसानों से कहना चाहता हूं, देखिए न्याय योजना जो है ये आपके लिए भी बनी है। आमदनी 12,000 रुपए से कम, हर महीने बैंक में पैसा 15 लाख, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 15 लाख नहीं दिया जा सकता भैया, नहीं दिया जा सकता, मैं झूठ नहीं बोलने वाला, 3,60,000 दे देंगे। 15 लाख जितना सुंदर नहीं है, मगर सच्चाई है, 3,60,000 दे देंगे। मगर किसानों के लिए हमने 2-3 चीजें और की है, ऐतिहासिक चीजें। किसान के दिल में डर होता है, न्याय योजना से थोड़ा सा डर मिटेगा। किसान कर्जा लेता है, अनिल अंबानी कर्जा लेता है, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लेता है, वापस नहीं देता है, उसको जेल में नहीं डालते। किसान 20,000 रुपए कर्जा लेता है, वापस नहीं देता है, उसको जेल में डाल देते हैं। तो हमने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है, किसी किसान को कर्जे के लिए हिंदुस्तान में जेल में नहीं डाला जाएगा। कब तक नहीं डाला जाएगा मैं बताऊंगा, जब तक अनिल अंबानी जैसे लोग जेल में नहीं जाएंगे। पहले उनको जेल में डालो, अगर वो कर्जा नहीं देंगे, उनको जेल में डाला फिर किसानों की बात शुरू होगी, मगर उससे पहले किसान जेल में नहीं जाने वाले। किसान दिन भर काम करते हैं। अच्छा, बजट होता है, बजट होता है तो पार्लियामेंट हाउस में लोग बैठते हैं, उद्योगपतियों के लोग बैठते हैं, देखते हैं भैया हमारे लिए क्या हो रहा है। इस साल सरकार ने हिंदुस्तान के उद्योगपतियों के लिए क्या किया? 15-20 जो अनिल अंबानी जैसे भ्रष्ट लोग है, वो भी देखते हैं भैया क्या किया इस साल। किसान को कोई पता नहीं लगा, कोई पता नहीं लगता सरकार क्या करने जा रही है। तो हमने निर्णय लिया है कि जैसे रेलवे बजट हुआ करता था, इस साल कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, सीधा एक किसान का बजट बना देंगे। आपको शुरुआत में, इस साल के शुरुआत में बता देंगे, भैया हिंदुस्तान के किसानों, बिहार के किसानों, आपकी एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, आपका इतना कर्जा माफ होगा, आपको इतना पैसा सरकार देगी, आपको इतना बोनस मिलेगा, पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी पहले दिन हम करके दिखा देंगे।
तो आपके दिल से घबराहट मिट जाएगी और आपके फैक्ट्री के बिल्कुल पास, आपके खेत के बिल्कुल पास, सॉरी बिल्कुल खेत के पास फूड प्रोसेसिंग का कारखाना, जहां आलू उगाते हो आलू के चिप्स का कारखाना, टमाटर उगता है वहां टमाटर केचप का कारखाना, मखाना का कारखाना, अलग अलग कारखाने लगाएंगे सीधा आपके खेत के पास। आप अपना माल, अपना माल खेत से लाओ, फैक्ट्री में डालो, फैक्ट्री आपको जेब में पैसा देगी, आपका माल अमेरिका, जापान, बाकी देशों में जाएगा, सही दाम मिलेगा आपको। मगर मेन बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो 5 साल चौकीदार ने आपको झूठ बोला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार, और जहां भी जाते हैं देश को बांटने के, बांटने का काम करते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ नफरत की बात करके आ जाते हैं। देश को जोड़ना है, सबको एक साथ लाना है, यह देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, हर भाषा का है, हर प्रदेश का है, सबका है, और इसमें सबको शांति से रहना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी में उनमें फर्क है। तो आप चुनाव में तारिक अनवर जी और हमारी, हमारे जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं बिहार में, पूरा दम लगा के उनको आप जिताइए, न्याय की बात कीजिए, बदलाव की बात कीजिए, और चौकीदार को याद दिलाइए कि यह देश अनिल अंबानी का नहीं है, मेहुल चौकसी का नहीं है, नीरव मोदी का नहीं है, यह देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों का है, युवाओं का है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।